hello friends very warm welcome to lk academy i hope <clears throat> hello friends very warm welcome to lk academy i hope every one of you is safe and doing well at your home so today we will continue with our current affairs lectures as the exam is uh, coming by i hope that you have all uh, gone through the previous lectures अगेन एंड अगेन वी आर रिकमेंडिंग दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स प्रोवाइडेड टू यू वाई बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड इन द लेक्चर्स सो आज का जो हमारा पहला करेंट अफेयर्स का लेक्चर है वो है गेंजीज रिवर डॉल्फिन को लेकर या तो गंगा नदी की डोल्फिन को लेकर लॉकडाउन के टाइम हमने देखा था कि कई सालों बाद क्योंकि पॉल्यूशन वॉज लेस जो गंगा नदी में जो पल्यूशन बढ़ रहा था वो क्या हो गया था फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज बंद होने से दैट वाज रिड्यूस्ड उसकी वजह से कई सालों बाद गंगा रिवर की जो डॉल्फिन्स है वो अगेन अपने हैबिटेट में वापस आती हुई हमें दिखी थी इसके बाद लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी गंगा रिवर डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कही थी एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पॉर्टेंट सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज अ गाइड फॉर अ सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ द स्ट्रैंडेड गेंजीज रिवर डॉलफिन्स द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर बाय द टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड द एन्रमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इट वॉज रिकोगनाइज एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन टू थाउजेंड एंड नाइन बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखिए फिफ्थ अक्टूबर का जो दिन है उसको गेंजीज रिवर डॉल्फिन डे के तौर पर मनाया जाता है और उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था इन टू थाउजेंड एंड नाइन की पॉइंट क्या है तो इसका साइंटिफिक जो नेम है दैट इज प्लेटेनिस्टा गेंगे तो ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया डिस्कवरी है इट वाज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801 तो देखिए वो वो पहले से थी राइट right? अपने हैबिटेट में पहले से रह रही थी बट स्पेसिफिकली गंगा रिवर की डॉल्फिन की स्पीशीज को कब पहचाना गया इन 1801 उसका नेचुरल हैबिटेट कौन सा है दे लिव इन गेंजीज ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्नफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ़ नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश तो बेसिकली आपको इन तीन देशों की नदियों में कौन सी नदियों में गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्नाफुली एंड सांगू रिवर सिस्टम में और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे आपको ये आ, गेंजीज रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगी uh, तीन देश के नाम आपको याद रखने हैं नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश द गेंजीज रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन अ फ्रेश वाटर एंड इज एसेंशियली ब्लाइंड तो देखिए ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है मतलब सी में नहीं रह सकती और इट्स इट इज एसेंशियली ब्लाइंड दे हंट बाई एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड विच बाउंसिज ऑफ फिश एंड अदर प्रे एनेबलिंग देम टू सी एंड इमेज इन देयर माइंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसू पॉपुलेशन कितना है इनका सो द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इज एस्टिमेटेड एट 4,000 एंड नियरली 80 परसेंट ऑफ़ फाउंड इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो देखिए उनका जो अप्रोक अप्रोक्सीमेट नंबर है अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन है दैट इज़ फोर थाउजेंड जिसमें से एट्टी परसेंट ऑफ दी गेंजिज रिवर डॉल्फिन आर इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है सो इट इज़ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ़ हेल्थ ऑफ़ द एंटायर रिवर इको सिस्टम तो अगर ये डॉल्फिन आपको कोई भी नदी में देखने को मिलती है दैट मीन्स के उस नदी का जो हेल्थ uh, है जो पल्यूशन वाइज या न्यूट्रीशन वाइज दैट इज गुड ओके okay, अगर वो नहीं है दैट मीन्स दैट जो पोल्यूशन लेवल है वो वहाँ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, नहीं मिलती है दो थ्रेट क्या है और क्यों इनके नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं सो so, एक है बाइकेच दिस डॉल्फिन एंड पीपल बोथ फेवर एरियाज इन द रिवर वेर फिश आर प्लेंटीफुल एंड द वॉटर इज वाटर करंट इज स्लोअर दिस हज़ लेड टू अ फ्यूर फिश पीपल एंड मोर डॉल्फिन डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटली बींगट इन फिशिंग नेट्स ऑल्सो नोन एज बाइकेज तो देखिए जो हमारे जो मछुआरे हैं वो भी उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिले वाई बिकॉज दे आर रिलेटेड टू फिशरीज इंडस्ट्रीज अब क्या होता है कि ये डॉल्फिन का जो शिकार है वो भी उनको वही एरिया में मिलेगा जहाँ पे इंसान अपने लिए मछलियाँ ढूंढने जाता है इंसान इसको पकड़ना नहीं चाहता डॉलफिन को बट एक्सीडेंटली जब नेट थ्रो की जाती है नदी में तो छोटी मछलियों के साथ साथ डॉल्फिन का भी शिकार हो जाता है उसको कहते हैं बाइकेज दैट इज द मेन रीजन कि उनके जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं पल्यूशन तो मेजर रीजन है ही इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन पल्यूशन इज अनदर सीरियस कॉज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन डैम्स की वजह से सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड अदर इरीगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मेक दैम ससेप्टेबल टू इन ब्रीडिंग एंड मोर वनरेबल टू अदर थ्रेड्स बिकॉज दे केन नॉट मूव टू न्यू एरियाज डैम की वजह से उनका जो मूवमेंट है फ्री मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा वाई बिकॉज वाई वी आर बिल्डिंग अ डैम टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वो वाटर तो जब वाटर का फ्लो स्टॉप हो गया तो दे कैन नॉट फ्रीली मूव इन द न्यू एरियाज तो वो एक बंधे हुए एक बाउंड्री में आ, उनको हैबिटेट अपना बनाना पड़ेगा डॉल्फिन बिलो अ डैम आर थ्रेटन बाई हैवी पोल्यूशन इंक्रीज फिशिंग एक्टिविटीज एंड वेसल ट्राफिक दे ऑल्सो हैव लेस फूड बिकॉज डैम्स डिस्ट्रीब्यूट द माइग्रेशन ब्रीडिंग साइकल्स एंड हैबिटेट ऑफ फिश एंड अदर प्रे तो ये डैम्स की वजह से भी उनके नंबर्स पर हमें इफ़ेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है कन्जर्वेशन स्टेटस क्या है सो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली उनको स्केड्यूल वन में रखा गया है अब देखिए कोई भी स्पीशीज़ के बारे में आप पढ़ोगे फ़्लोरा या फोना की अगर इंडियन वाइल्ड लाइफ एफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डब्ल्यू पी ए के अगर उसको स्कीड्यूल वन में रखा गया है मीनिंग वो आ, इंडिया में एंडेंजर्ड में कैटेगरी में है यह आप मान सकते हो अगर आप उसका पोचिंग करते हो उसका शिकार करते हो तो दैट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी और उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली सज़ा की जा सकती है ओके सो स्केड वन का मतलब है कि पोचिंग इज़ इलीगल पोचिंग इज़ बैंड अगर आप पोचिंग करते हुए पकड़े जाते हो या आपने किसी ऐसे स्पीशीज़ को नुकसान या उसको मार दिया तो आपको कोर्ट के थ्रू जेल की सज़ा या फाइन हो सकता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में उसको रखा गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज साइट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड uh, को इलीगल ट्रेड को रेक्टिफाई करती है और उसको स्टॉप करने का काम करती है सो so, उसके अपेंडिक्स वन में दैट इज़ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में उसको रखा गया है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज अपेंडिक्स टू में रखा गया है सो माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम दी इंटरनेशनल कोऑपरेशन अभी देखिए यहाँ पे भी हमने देखा कि तीन देश इन्वॉल्व है तीन देशों के अलग अलग रिवर सिस्टम में ये डॉल्फिन पाई जाती है इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश तो अगर एक कोई ऐसा पैक्ट बनता है इन तीनों कंट्रीज के बीच कि भाई डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए दीज आर आवर एक्शन प्लान दिस इज अर एक्शन प्लान तो ज्यादा बेटर तरीके से इनके कंजर्वेशन को परफॉर्म uh, किया जा सकता है स्टेप्स टेकन क्या लिए गए हैं स्टेप्स अभी तक सो प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन की अनाउंसमेंट की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर इन 2020 इंडिपेंडेंस डे स्पीच सो द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसड द गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन इज इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2020, इट इज़ ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच हैज़ हेल्प इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का जो गोल था वो 2018 में ही हम पूरा कर चुके हैं जबकि उसका डेडलाइन था 2020. तो चार पाँच सालों पहले ही हमने सिग्निफिकेंट राइज देखा है टाइगर नंबर्स में डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला गेंजिज डॉल्फिन सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन बिहार विच इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा सेलिब्रेट्स फिफ्थ अक्टूबर एज अ नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे जो कि पिछले महीने हमने देखा ऑब्जर्व किया कंजर्वेशन प्लान क्या है सो द कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गेंजीज रिवर डॉल्फिन 2010 थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी विच आइडेंटिफाइड थ्रेड्स टू गेंगे डॉल्फिन एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवर ट्राफिक इरीगेशन कैनाल्स एंड डेप्लीशन ऑफ प्रे बेज ऑन डॉल्फिन पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंसर्न मिनिस्ट्री है दे आर एक्टिवली एंड अग्रेसिवली नाउ ट्राइंग टू बिल्ड अप एन एन्वायरमेंट सो दैट वी कैन हैव द एक्शन प्लान इन प्लेस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि हम प्रोजेक्ट डोल्फिन को स्टार्ट कर सकें और गेंजीज रिवर डॉल्फिन को हम बचा सकें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस और ये इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात कर रहे हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ देखिए हम पिछले स्टार्टिंग के हमारे लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एफ सार्क बिम्स्टिक आसियान ये सारे कंट्रीज क्या है जी क्या है जी क्या है एस uh, क्या है इंडिया का क्या रोल है इसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं करंट सिनारी में जब अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन थोड़े डि, डि, डिग्रेडेड होते हुए हमें दिख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट अपना जो फोकस है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान कंट्रीज़ में लगा रही है ना व्हाट इज़ आसियान कंट्रीज़ तो म्यांमार से जो कंट्रीज स्टार्ट हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार फिलीपींस लाओस ये सारे जो कंट्रीज़ है वहां पे दे आर स्टिल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट ऐसे कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन बढ़ा के अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है इन लोग इनके साथ वो बढ़ाना चाहती है फॉर वेरियस रीजनस फॉर डिफेंस रीजनस फॉर सिक्योरिटी रीजनस फ़ॉर ट्रेड परपजेज फॉर बिगर मार्केट फॉर एक्सपोर्ट परपज़ ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है सो रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द

बट क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है आश, आसियान में और जो ट्रेड परपस है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑन हाई लेवल इसके लिए इंडिया को एक स्पेशल प्लेस दिया गया है और आसियान के दस कंट्रीज अलग से कुछ दिनों के लिए इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ अलग अलग वरियस पॉइंट्स पे बात करते हैं आसियान इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी सो so सेंट्रली Uh, centrality of ASEAN in India's actist policy and in India's vision for the wider Indo-Pacific vision has been underlined. Welcomed the adoption of the Indian-ASEAN Joint Statement on Cooperation for Peace, Stability and Prosperity in the region, building upon the synergies between the ASEAN outlook for the Indo-Pacific and India's Indo-Pacific Ocean Initiative. Recently, India also addressed the 16th East Asia Summit. वेर इट रीअर्म्ड इंडिया फोकस ऑन द फ्री ओपन एंड इंक्लूजिव इंडो पैसिफिक एंड द प्रिंसिपल ऑफ आसियान सेंट्रलिटी इन द रीजन तो देखिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आसियान के साथ चल रही हैं म्यांमार में जो पिछले साल मिलिट्री कूप हुआ है इंडिया इज अगेंस्ट दैट और इंडिया ट्राई कर रहा है कि म्यांमार में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो बचा रहे और कैसे म्यांमार की मिलिट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट मिलजुल कर काम कर सके दूसरी चीज है कि हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आर सी ई पी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एक 16 कंट्रीज का एक ग्रुप है दस uh, आसियान के मेंबर्स है जिसमें साउथ कोरिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया जैसे कंट्रीज हैं तो आउट ऑफ 16 कंट्रीज फिफ्टीन कंट्रीज हैव ऑलरेडी साइंड फॉर आरसीपी दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाउ व्हाट इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों कंट्रीज दोनों पार्टीज अपोजिट पार्टीज़ अपने मार्केट सामने वाले के लिए ओपन कर देगा कम टैक्स लगाएगा वाइडर रेंज के प्रोडक्ट्स को अलाउ करेगा अपने मार्केट में इससे क्या होगा दोनों के मार्केट्स में वैरायटी बढ़ेगी दोनों के मार्केट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फायदा होगा और दोनों का ही जो ट्रेड वॉल्यूम है वो क्या होगा बढ़ेगा इंडिया

क्योंकि इन कंट्रीज़ के लिए इंडियन मार्केट इज वेरी क्रूशियल अगर इंडिया का मार्केट इनके लिए ओपन होता है तो दे विल बी मोर बेनिफिशियल टू दीज कंट्रीज बट आप सोचिए कि अगर न्यूजीलैंड का मार्केट इंडिया के लिए ओपन होता है लेट सपोज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स तो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या कोई इंडियन कंपनी वहां पे ज़्यादा फायदा गेन कर पाएगी क्या अपना मार्केट बना पाएगी अपोजिट अगर कोई न्यूज़ीलैंड की कंपनी इंडिया में आती है अपनी क्वालिटी लेकर तो वो इंडियन डेरी प्रोडक्ट्स को काफ़ी बुरी तरह के तरह से कंपटीशन दे सकती है और डोमेस्टिक लेवल पे जो इंडियन कंपनीज है उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है विच इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट और अभी का जो एरा है जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है सी ए प्रोटेस्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एक और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन में आके खड़ा हो जाए गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट एंड दैट्स जो ग्रास रूट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज काम करती है ग्रास रूट लेवल के लोग जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए उनको नुकसान ना हो इसीलिए इंडिया आर में अभी तक नहीं जुड़ा है और इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखा है कि आप हमारी शर्तें मानो तभी जाके इंडिया कैन ज्वाइन आर सी ई पी ओके चलिए सो रिसेंटली इंडिया ऑल्सो द दिक्कसटींथ ईस्ट एशिया समिट वेर इट रीअफर्म्ड इंडिया फोकस ऑन फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड प्रिंसिपल ऑफ आसियान सेंट्रलिटी इन द रीजियन इंडिया आसियान की कनेक्टिविटी कैसी है सो एक्सचेंज व्यूज ऑन एनहांसिंग इंडिया आसियान कनेक्टिविटी इन ब्रॉडकास्ट टर्म्स इंक्लूडिंग फिजिकल डिजिटल एंड पीपल टू पीपल एरिया इंडिया अनाउंसड इट सपोर्ट फॉर एस्टाब्लिशिंग द आसियान कल्चरल हेरिटेज लिस्ट टू फर्दर स्ट्रेंदन इंडिया आसियान कल्चरल कनेक्टिविटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेइन्स फॉर पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी एंड इन दिस रिगार्ड द नीड टू रिवें द इंडिया आसियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैज़ बीन अंडरलाइंड तो देखिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की यहाँ पर बात की गई बट इंडिया क्यों इसमें साइन नहीं कर रहे हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो सिक्सटीन नेशन में वन इज चाइना तो हम हमसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है चाइना को हो रहा है चाइना अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया मार्केट में डंप कर देगा कम कीमतों पर तो इससे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको नुकसान होगा विच इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है सो रीज रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी एंड टेररिज्म तो देखिए साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है वो इंडिया ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ आ, महीनों में उठाया है हम यू की चेयरमैनशिप जब हमने ली थी अगस्त में सो हमारा जो एक फोकस था वो मेरी सिक्योरिटी के ऊपर था और चाइना के सामने ब्लंटली हमने बोला है कि दिस इज़ नॉट डन और इस तरह से कंट्रीज़ को फंक्शन नहीं करना चाहिए अगर आप इस तरह से फंक्शन करोगे सो हमारे पास आपसे ज्यादा नंबर से यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आसियान कंट्रीज है ताइवान है, है ये सारे कंट्रीज आपके सामने अग्रेसिवली बिहेव करेंगे म्यांमार के बारे में बात की गई कि म्यांमार का आसपास के रीज़न में क्या असर पड़ेगा अगर किसी एक रीज़न में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के माहौल खड़े होते हैं तो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन इंक्लूडिंग थ्रू अप होल्डिंग एडहेरेंस

फॉर आसियान्स कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स फंड तो आसियान कंट्रीज़ को हम धीरे धीरे जो अपना रिलीफ uh, फंड है जो असिस्टेंस है वो हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ना बढ़े और इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़े इंडिया का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़े और बेसिकली हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इंडिया आसियान एंड चाइना सो ट्रेडिशनली द बेसिस ऑफ इंडिया चाइना टाइज हैज़ बीन ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज ड्यू टू शेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स अ मोर रिसेंट एंड अर्जेंट एरिया ऑफ कन्वर्जेंस हेज़ बीन बैलेंसिंग चाइनाज राइज तो ऐसा नहीं है कि हमने सडनली आसियान के साथ हमारा कनेक्टिविटी बढ़ाने का इनिशियटिव लिया है हम कल्चरली और हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली हम जुड़े हुए हैं सो so, हमारे काफ़ी सारे ट्रेडिशन जो है वो हिस्टोरिकल अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो आ, वहाँ पे इन रीजियंस का भी हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है सडनली हमने क्यों इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ आसियान सो बोथ इंडिया एंड आसियान एम टू एस्टेबलिश अ रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर पीसफुल डेवलपमेंट इन द रीजन इन कॉन्ट्रास्ट टू चाइनाज अग्रेसिव पॉलिसीज Like India, several ASEAN members such as Vietnam, Philippines, Malaysia, and the Brunei have territorial disputes with China. The China factor does form an important component of the relationship. तो देखिए, India पे सब भरोसा कर सकते हैं। लोगों को पता है कि India कभी भी territorial disputes में aggressive नहीं होगा। अगर territorial dispute चल भी रहा है सो so, इंडिया ऐसा कंट्री है जो पीसफुल टॉक्स के थ्रू किसी भी चीज को रिजोल्व करने में बिलीव करता है अनलाइक चाइना चाइना क्या करेगा क्योंकि उसके पास नंबर आर्मी स्ट्रॉन्ग uh, है वो ये छोटे कंट्रीज को डरा के अग्रेसिवली उनसे सारे जो एरियाज है वो लेने की कोशिश करेगा इंडिया इन in 2014 फोर्टीन री इन्विगोरेटेड द लुक ईस्ट पॉलिसी इन टू एक्ट ईस्ट विथ अ मोर स्ट्रेटेजिक आउटलुक

मल्टीपल रीज़न है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है दैट इज राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना और डिफेंस पर्पस तो ये दो मेजर फैक्टर है जिनकी वजह से इंडिया अपना इन्फ्लुंस धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्या है आसियान नाउ दिस इज द ब्रशअप थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आसियान क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इट इज अ रिजियोनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट इकोनॉमिक Political and Security Cooperation. It was established in August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration, Bangkok Declaration, by the founding fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Its chairmanship rotates annually based on the alphabetical order of the English names of the member states.

लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापोर थाईलैंड एंड वियतनाम इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए म्यांमार के साथ हमारा जो साउथ नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है इंडिया का ये पूरा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है तो व्हाट इंडिया इज ट्राइंग कि म्यांमार के ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए तो म्यांमार के थ्रू हम ईजिली आसियान कंट्रीज के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और आप अगर देखोगे पूरा मैप तो सिंगापुर को छोड़कर बाकी जो सारे कंट्रीज है दैट इज अंडर डेवलपमेंट और लेस डेवलप्ड कंट्रीज राइट एंड दैट्स वाई हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है कि चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर आसियान एंड इंडियाज रिलेशन विद आसियान कंट्रीज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन और जैसे हम आसियान की बात की वैसे ही हम बात करेंगे एस सी ओ की शांघाई कोपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नाउ देखिए शांघाई कोपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया का जो रोल है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट वाई बिकॉज वी आर लार्जर पॉपुलेशन कंट्री जब आसियान के आठ देशों की हम बात करते हैं अब नौ ओके रिसेंटली समिट में ईरान को भी परमानेंट सीट दे गई है दे दी गई है सो so, The total tally of the ASEAN permanent member is now 9 and Iran is the uh, newly joined member. So recently the Shanghai Cooperation Organisation in its 19th meet uh, held in New Delhi adopted a protocol to strengthen cooperation in preventing and combating growing menace of uh, human trafficking especially women and children. The current chair of SCO is ताजिकिस्तान तो ताजिकिस्तान की चेयरमैनशिप में न्यू दिल्ली में जो समिट हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया टू तो प्रोटोकॉल टू तो प्रिवेंट ह्यूमन ट्राफिकिंग और ह्यूमन ट्राफिकिंग का मतलब क्या है कि आ, लोगों को अलग अलग जगहों पे स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है एस क्या है सो इट वॉज फाउंडेड एट अ समिट इन शांघाई इन 2001 थाउजेंड एंड वन बाई द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया चाइना एंड द किर्गिज रिपब्लिक Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Presently, it comprises of nine member states, namely India, Kazakhstan, China, the Kyrgyz Republic, Pakistan, the Russian Federation, Tajikistan, Uzbekistan, and Iran. India was made an observer at the SCO in 2005. India and Pakistan became its permanent members in 2017. ईरान वॉज ग्रांटेड फुल मेंबरशिप इन 2021। सी ओ समिट ट्वेंटी ट्वेंटीडक्वार्टेजिंग चाइना रेट्स जो कि एक सबसिडियरी एजेंसी uh, है और सबसिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर दी एस सी ओ विच विच इज नोन एज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज अ परमेंट ऑर्गन ऑफ एस सी ओ हेडक्वाटर्ड इन ताशकंद उजबेकिस्तान द समिट इज हेल्ड एन्युअली एंड चेयरमैनशिप गोज टू अमेम्बर स्टेट फॉर अ यर ऑन रोटेशन बेसिस ओके okay, सो so ये सारी चीज़ें आपको एस के बारे में याद रखनी है इंडिया को 2005 में ऑब्जर्वर बनाया गया और नूर सुल्तान में 2017 में इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया गया अस्ताना जिसका अब नाम हो गया है नूर सुल्तान चलिए ह्यूमन ट्राफिकिंग क्या है सो ह्यूमन ट्राफिकिंग इनवॉल्व रिक्रूटमेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर हार्बरिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ पर्सन बाई मीन्स ऑफ थ्रेट or use of force or other forms of coercion for the purpose of exploitation exploitation include at a minimum the exploitation of the prostitution or other forms of sexual exploitation forced labor or services slavery or practices similar to slavery servitude or the removal of ऑर्गन्स तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ट्राफिकिंग के साथ डायरेक्टली और इनडिरटली जुड़ी हुई है और ह्यूमन ट्राफिकिंग का एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट चल रहा है हर कंट्रीज़ में अक्रॉस दी बॉर्डर अबाउट दी प्रोटोकॉल क्या है क्या डिसाइड किया गया है एक्शन प्लान क्या होगा सो कॉल्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन टू कॉम्बेट दी मीनिज ऑफ ट्राफिक ट्राफिकिंग इन पर्सनस seeking to provide protection and assistance to victims of trafficking within their uh, competence call for developing cooperation between the educational organizations of the su member states in the field of advanced training of prosecutors whose competence include combating trafficking in persons especially women and children तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट पे ये कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम आपस में मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट कॉम्बेट ह्यूमन ट्राफिकिंग रेलिवेंट लॉज क्या है इंडिया में सो इमोटल ट्राफिक प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इज द प्रीमियर लेजिस्लेशन टू डील विद दिस इश्यू आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 25 section in ipc such as 366a 366b 317 and 374 which is directly uh, uh, deals with the human trafficking and uh, uh, relevant crimes the juvenile justice act and the information technology act and also the prevention of child labor act and the uh, bonded labor abolition act among others so india mein, there are multiple laws बट स्टिल जब आप ग्राउंड लेवल पे देखने जाओगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है दैट इज नॉट एट पार वो इतना ज़्यादा नहीं है कि लोग डर रहे रहेगे कि okay, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे या चाइल्ड ट्रैफिकिंग करेंगे या वुमेन ट्रैफिकिंग करेंगे तो हमको बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी देर आर मल्टीपल लूप होल्स इन द सिस्टम समटाइम्स पुलिस और द पोलिटिकल पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ राइट सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो विक्टिम uh, है उसको सही जस्टिस मिलेगा ओके एंड दैट्स वाई इंडिया बहुत दूर है अभी आइडियल uh, सिचुएशन से एंड इंडिया नीड्स टू वर्क हार्ड देर आर मल्टीपल एन जी ओज मल्टीपल ट्रस्ट जो ऐसे सारे क्राइम्स के लिए काम कर रहे हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहे हैं बट देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ समुद्रयान मिशन सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ज़ लॉन्चड इंडियाज फर्स्ट मैंड ओशन मिशन समुद्रयान इन चेन्नई देखिए क्या है मैंड ओशन मिशन हम मैंड स्पेस मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ गगनयान जो कि आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगा समुद्रयान क्या है तो बीनीथ द सी अंडर नीथ द सी क्या क्या एनर्जी के सोर्सेज है क्या क्या मिनरल्स है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम कर सकती है उन चीजों को ढूंढने के लिए एक रिसर्च मिशन भेजा जाएगा सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट मैंड ओशन मिशन समुद्र यान इन चेन्नई विथ दिस यूनिक ओशन मिशन इंडिया ज्वाइंट द एलीट क्लब ऑफ नेशंस सच एज दू एस रशिया फ्रांस जापान एंड चाइना टू हैव नीच टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल्स टू कैरी आउट सब सी एक्टिविटीज राइट तो सी के अंदर कैसी एक्टिविटीज की जा सकती है अभी देर आर फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज ओनली जैसे यूएसए हो गया फ्रांस हो गया रशिया uh, हो गया जापान हो गया इंडिया उस क्यू में जुड़ चुका है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट यूनिक मैंड ओशन मिशन दैट एम्स टू सेंड मैन इन टू द डीप सी इन अ सबमर्सिबल व्हीकल फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स इट विल सेंड थ्री पर्सनस इन अ मैंड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य सिक्स थाउजेंड टू अट डेप

परफॉर्म दी अंडर वाटर स्टडीज इट इज़ अ पार्ट ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड करोर डीप ओशन मिशन तो गवर्नमेंट ने छः हजार करोड़ रुपये डीप ओशन मिशन के लिए अलोकेट करके रखे उसमें से इस मिशन को फंड किया जाएगा क्या है डीप ओशन मिशन सो इट वॉज अप्रूव्ड इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस इट एम्स टू एक्सप्लोर द डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ़ ओशन रिसोर्सेज एंड सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव फॉर द इंडियन गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा इसमें डाल रही है ताकि कुछ सालों बाद जब हमारे पास कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट हो तो हम उस बेस पे हमारी ब्लू इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हमारी पॉलिसीज़ बना सके द कॉस्ट ऑफ द मिशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 4077 करोड़ ओवर अ फाइव ईयर पीरियड एंड विल बी इम्पलीमेंटेड इन फेजेस तो बेसिकली जो हमारा पूरा अरेबियन सी इंडियन ओशन एंड जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन uh, है जहाँ पे इंडिया को अथॉरिटी दी गई है थ्रू द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड इंटरनेशनल लॉज वहाँ पे इंडिया अपना ये डीप सी मिशन परफॉर्म करेगा मत्स्य सिक्स क्या है सो इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैंड सबमर्सिबल व्हीकल देखिए आजकल जो भी आप डिफेंस के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे आपको ये शब्द देखने को मिलेगा कि इंडिजीनियसली तो इंडिजीनियसली का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से या मेजॉरिटी जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है वो कहाँ से यूज हुई है दैट इज़ द देसी टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी सो इंडिया अब तक क्या करता था आज से चार पाँच सालों तक हम क्या करते थे बिफोर 2014 या 2015 मेजॉरिटी ऑफ दी हमारा जो पैसा था जीडीपी का वो कहाँ चला जाता था डिफेंस के इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने में चला जाता था इंडिया ने बोला कि यार जब हमारे पास इतना टैलेंट है हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप कर सकते हैं सस्ते में अगर जब हमको लेबर मिल रहा है तो हम क्यों डेवलप्ड नेशन रशिया या फ्रांस या यू एस जैसे डेवलप्ड नेशन को पैसा दे रहे हैं सो so, धीरे धीरे इंडिया ने मेजॉरिटी ऑफ दी जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस के रिलेटेड या सिक्योरिटी के रिलेटेड वो इंडिया में ही बनाना स्टार्ट किया और इसी के अंडर हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं इन यूपी एंड इन तमिलनाडु तो धीरे धीरे इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है मेड इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट था वो डिफेंस सेक्टर में भी लागू किया जा रहा है कि क्यों हम अपना पैसा बाकी कंट्रीज़ को दे रहे हैं वी शुड बी इन दैट पोजिशन के जो हमसे छोटे कंट्रीज है हम इतने सस्ते में सामान बनाएंगे या इतना ट्रस्टवर्दी uh, सामान बनाएंगे कि बाकी सारे कंट्रीज़ की जो डिफेंस नीड्स हैं वो हम पूरी कर सकें इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा सो इट इज़ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैंड सबमर्सिबल व्हीकल इट विल फैसिलिटेट द Ministry of Earth Sciences in conducting deep ocean exploration of resources such as gas hydrates polymetallic uh, manganese nodules hydrothermal uh, sulfides and cobalt crust which are located at the at an approximate depth between 1000 and uh, 5500 meters polymetallic nodules also called as manganese nodules are mineral कॉन्क्रीशंस ऑन द सी बॉटम फॉर्मड ऑन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ आयरन एंड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड अराउंड अ कोर सिग्निफिकेंस क्या होगा क्यों हम छः हजार करोड़ रुपये जितनी बड़ी रकम इस मिशन uh, में डाल रहे हैं दिस विल ओपन अप मोर ग्रोथ एवेन्यूज टू एक्सप्लोर ओशन रिसोर्सेज फॉर क्लीन एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्लू इकनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैलरेडी कैरीड आउट सिमिलर ओशन मिशन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री अमोंग द डेवलपिंग नेशंस टू कैरी आउट अ डीप ओशन मिशन ओके इंडिया के लाइन uh, में जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं अभी तक किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े स्केल पर डीप ओशन मिशन को परफॉर्म कर सके इंडिया इज़ द फर्स्ट डेवलपिंग नेशन जो इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े स्केल पर ऐसा मिशन को कैरी uh, आउट हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो जुड़ा हुआ है एनवायरमेंट वाले सब्जेक्ट से रिसेंटली आपने कई सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा दैट सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी सिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्लासगो गए थे स्कॉटलैंड और वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी सारे एम्बिशियस अनाउंसमेंट किए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ मिलकर और इंडिया के सारे इनिशिएटिव्स का ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अप्रिसिएशन इंडिया को मिल रहा है कि ओके okay, इंडिया जैसा कंट्री अगर क्लीन uh, एनर्जी को लेकर या पोल्यूशन को लेकर या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अगर इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे डेवलप कर सकता है कैरी आउट कर सकता है सो so, इंडिया कैन लीड द एंटायर वर्ल्ड इन द एरिया ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी क्या है इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट किए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे सो इंडिया टू रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाई ट्वेंटी सेवेंटी ये इंडिया का बहुत बड़ा कमिटमेंट है इंडिया के जो करंट स्टेज है उसको लेकर रिसेंटली इंडिया अनाउंसड दैट इट विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाई ट्वेंटी सेवेंटी एज अ पार्ट ऑफ अ फाइव पॉइंट एक्शन प्लान दैट इंक्लूडेड रिड्यूसिंग एमिशंस टू फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी देखिए हमने ऑलरेडी किगाली अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो किगाली अमेंडमेंट हुआ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट इंडिया मेड दिस प्लेज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सिक्स क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो वेर इट ऑल्सो अर्जड डेवलप्ड कंट्रीज टू डिलीवर ऑन दर प्रॉमिस ऑफ क्लाइमेट फिनांसिंग तो इंडिया चाहता है कि आप हमें पैसा दे दो वाई बिकॉज यू आर द रूट कॉज जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा बड़ा है हमारे पास तो उतने पैसे ही नहीं थे उतनी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी उतना इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन ही नहीं था कि हम ग्लोबल uh, वार्मिंग में अपना हिस्सा दे पा दे सो इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है स्टिल इंडिया इज़ नॉट द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है यूएसए उसके बाद है चाइना सो यू एस का पॉपुलेशन इतना कम है स्टिल यूएसए का जो ग्लोबल वार्मिंग में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने में या इंक्रीज करने में वो सबसे ज़्यादा किसका है यूएसए का है एंड दैट्स वाई अंडर पेरिस एग्रीमेंट ये तय हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे हावेवर, इंडिया हेजेंट सबमिटेड एन अपडेटेड नेशनल नेशनली डिटर्माइड कॉन्ट्रीब्यूशन विथ दिस कमिटमेंट टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज येट तो इंडिया अभी जो रिटर्न एक्शन प्लान है वो अभी इंडिया ने सबमिट नहीं किया है आने वाले कुछ टाइम में इंडिया वो भी सबमिट कर देगा पीएम ने क्या क्या फ़ाइव प्रोमिस किए हैं या क्या फाइव प्लेजेस लिए हैं सो पहला जो है दैट इज़ इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030 हमारे यहाँ जो भी सोलर uh, के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर रूफ टॉप सोलर प्लान है विंड एनर्जी है हाइड्रो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी है वो सारी जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसका प्रोडक्शन हम कहाँ तक लेके जाएंगे 500 गीगावाट बाय बाई

का रिडक्शन करेंगी इनआवर कार्बन एमिशन फोर्थ प्लेज क्या लिया गया है बाई ट्वेंटी थर्टी इंडिया विल रिड्यूज़ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई फोर्टी फाइव परसेंट फ्रॉम अ प्रीवियस टारगेट ऑफ थर्टी फाइव परसेंट तो इंडियन गवर्नमेंट अपने जो टारगेट्स है वो इतने हार्ड रख रही है कि सारे डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ेगा अगर कोई ऑफिसर uh, uh, या अगर कोई इंडस्ट्री या अगर कोई uh, मिनिस्टर अगर काम नहीं करता है तो उसको परफॉर्मेंस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करेगी निकाल देगी गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस नंबर फाइव बाई ट्वेंटी सेवेंटी इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो अब देखिए नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि हम कार्बन प्रोडक्शन बंद कर देंगे या कार्बन एमिशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा नो नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन एमिशन आप करते हो उसके सामने आपको Uh, जो कार्बन एबजॉर्ब्शन है वो भी उतना होना चाहिए उतने जंगल उतने पेड़ पौधे आपको लगाने पड़ेंगे सो नेट जीरो रिफर्स टू अ बैलेंस वेयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑफसेट बाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द एटमोसफियर एक्सपर्ट्स सी नेट जीरो टारगेट एज अ क्रिटिकल मेजर टू सक्सेसफुली टेकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज सो pledges by top टॉप emitters, चाइना ने क्या बोला है चाइना ने ये अनाउंस किया है दैट नो न्यू प्लेजिज ऑन मंडे इट प्रीवियसली प्लेज नेट ज़ीरो बाई ट्वेंटी सिक्सटी तो चाइना का ये प्लेज है कि 2060 तक हम नेट नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करेंगे यूएस का क्या है द यू एस टाउटेड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू स्पीड ट्रिपल फाइव बिलियन डॉलर टू बूस्ट रिन्यूएबल पावर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इट हैज़ प्लेज टू नेट जीरो बाई 2050 तो U.S.A का टारगेट इज 2050 और इंडिया का टारगेट है द कंट्रीज इकोनॉमी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय ईयर 2070 तो हम जितना कार्बन एमिट करेंगे एमिशन करेंगे जितना कार्बन का सामने उतना ही कार्बन का एब्जॉर्बन करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर uh, है वो हमें बर... So, net zero is a state in which a country's total emissions are offset by absorptions of carbon dioxide from the atmosphere, like that done by trees and forests, and physical removal of carbon dioxide through futuristic technologies. More than 70 countries have promised to become net zero by the middle of the century, and this is being considered vital for meeting the Paris Agreement goal of keeping global temperature within 2 degrees Celsius from pre industrial. टाइम्स इंडिया इज नेट जीरो टारगेट ऑफ ट्वेंटी सेवेंटी साइलेंस इज इट्स क्रिटिक्स बट इट इज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन्स द बिग थिंग हियर इज नॉट द टारगेट इट सेल्फ बट द फैक्ट दट इंडिया फाइनली रिलेटेड एंड डिसाइडेड टू टेक अप अ टारगेट सम थिंग इट हैड बिन होल्डिंग बैक ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम तो पिछले कुछ सालों से क्योंकि हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना चाहते थे कि हमने एनवायरमेंट की परवाह किए बिना फिनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दिया नाउ दैट द डिस्कशन हैज़ बिन गोइंग ऑन एंड इंडिया इज इन द डिफर पोजिशन दैन बिफोर इंडिया अब इन्फ्लुएंशियल पोजिशन पर है तो इसी वजह से इंडिया ने अब यह बोला है कि ओके वी विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग रिगरसली ऑन क्लाइमेट चेंज द बिग थिंग हियर इज नॉट द टारगेट इट सेल्फ बट द फैक्ट दैट इंडिया फाइनली रिलेटेड एंड डिसाइडेड टू टेक अप अ टारगेट सम थिंग इट हैड बिन होल्डिंग बैक ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ In its climate action plan submitted under the Paris Agreement, India had promised to reduce its emission intensity or emissions per unit of gross domestic product by 33 to 35 percent by the year 2030 compared to 2005. लेवल्स तो जब नेशनली एक पॉलिसी बनेगी उसमें हमको सारे जो गोल है नेशनल लेवल के स्टेट्स को क्या फॉलो करना है कौन सी इंडस्ट्री को क्या फॉलो करना है कौन सी मिनिस्ट्री को क्या फॉलो करना है वो सारे टारगेट्स भी आने वाले टाइम में आ, डिसाइड किए जाएंगे थ्रू दी सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसिंग इंडिया सो इंडिया हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा एमिशन इन द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमिक फाइव परसेंट ऑफ द टोटल डिस्पाइट अकाउंटिंग फॉर दी सेवेंटीन परसेंट ऑफ दर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो कि मैंने पहले ही कहा कि यूएस और चाइना आर दी बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द कार्बन एमीशन इंडिया का तो एमीशन बहुत कम है According to the World Resources Institute, India's total greenhouse gas emissions were about 3.3 billion tons in 2018. It's projected to rise above 4 billion tons per year by 2030. That would mean between now and 2030, India could be emitting anywhere between 35 to 40 billion tons at the current rates of growth. Cutting 1 billion tons would therefore represent a reduction of 2.5 to 3 percent.

इंडियाज़ न्यू रिन्यूएबल टारगेट क्या है सो इन ट्वेंटी नाइनटीन इंडिया अनाउंसड इट वूड टेक इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू फोर फिफ्टी गीगावोट बाई ट्वेंटी थर्टी जिसको अब बढ़ा के पाँच सौ गीगावोट कर दिया गया है एट दैट टाइम इंडिया पब्लिकली स्टेटेड टारगेट वॉज वन सेवेंटी फाइव गीगावोट बाई द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी हैज़ बिन ग्रोइंग रेपिडली इन द लास्ट फ्यू ईयर फ्राम फोर फिफ्टी गीगा वोट टू फाइव हंड्रेड गीगावोट इज़ नॉट लाइकली टू बी वेरी चैलेंजिंग तो इंडिया के लिए बहुत आसान होगा जिस तरह से रूफ टॉप सोलर पैनल का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और अदर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स ओवरऑल जो चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव नोट पर और बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहे हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा पचास गीगावोट का टारगेट बढ़ाना जो कि इंडिया ने सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में किया है The increase in the proportion of non-fossil fuel energy in the energy mix to 50% is a natural uh, corollary of this. Most of the new capacity additions in the energy sector are being done in the renewable and non-fossil fuel space. In fact, India has already said it does not plan to start any new coal power plants after 2020 to so, the India. itna so confident. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के इंडिया ने ये कमिट कर दिया है कि आफ्टर 2022 इंडिया विल नॉट गोइंग टू ओपन एनी न्यू कोल प्लांट्स जहाँ से कोल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है देर आर मल्टीपल कंट्रीज फ्रांस है जर्मनी है यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे कोल पावर प्लांट्स को क्या कर दिया जा रहा है डिमोलिश कर दिया जा रहा है क्यों क्योंकि कंट्रीज़ डू नॉट वॉन्ट कि अब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनसे हम बिजली को पैदा करें तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हम एनवायरनमेंट को लेकर आजकल चल रहे हैं एज ऑफ नाउ इंडिया वाज ऑलरेडी टारगेटिंग 40 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 20 30 सोलर पावर विंड पावर हाइड्रो पावर एट्सेट्रा एट्सेट्रा क्लाइमेट फिनंस क्या है सो इंडियाज़ एफर्ट दो विल हैव टू बी सपोर्टेड बाई द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट फिनांस बाई डेवलप्ड कंट्रीज

स्टेप्स नीडेड टू अचीव नेट जीरो क्या हो गया तो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ एनर्जी एन्वायरमेंट एंड वॉटर्स इम्प्लीकेशन ऑफ अ नेट जीरो टारगेट फॉर इंडियाज सेक्ट्रल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी स्टडी इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी वुड नीड टू इंक्रीज ओवर फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड गीगा वॉट्स टू अचीव नेट जीरो बाई ट्वेंटी सेवेंटी द यूसेज ऑफ कोल especially for power generation would need to drop by 99% by 2060 for india to achieve net zero by 2070 consumption of crude oil across sectors would need to peak by 2050 एंड फॉल सब्सटेंशली बाई नाइन्टी परसेंट बिटवीन ट्वेंटी फिफ्टी टू ट्वेंटी सेवेंटीन तो जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो व्हीकल्स है हमारे उसको हमें कम करना पड़ेगा ये कैसे करेंगे बाई दी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई इनक्रेजिंग इलेक्ट्रिक वहीकल पॉलिसी ग्रीन हाइड्रोजन could contribute 19 परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी इस बजट में वन uh, थाउजेंड करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इंडिया साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज से अभी सीख रहा है आने वाले सालों में इंडिया यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर Uh, we have talked about multiple different kind of uh, subjects let me know in case of any difficulties till that time stay happy stay safe thank you